अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल के में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकता था। तो आज मैं आईफोन 7 आपके सामने लेके आया हूँ। आईफोन 7 आप देख रहे होंगे कि आईफोन 7 के ऊपर जब मैं सप्लाई पे लगाता हूँ तो ये फौरी उसके एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। तो ये इसमें हाफ शॉर्टेज है, ये वाली फुल शॉर्टेज होती तो ये हमारी सप्लाई बीप बोलती, लेकिन हाफ शॉर्टेज है। इसमें दो तीन तरीके से हम इसका ट्रेस कर सकते हैं। ये पहले भी किसी ने काम किया हुआ था तो, लेकिन उसको शॉर्टेज ढूंढने में ज़रा मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसकी सप्लाई कुछ और तरीके की होगी शायद। तो हमारे पास जब ये फ़ोन आया तो हमने फौरी चेक किया है, तो चेक करने के बाद हमने सोचा तो हमारा अब यूट्यूब चैनल दोबारा रन हो गया, तो हम वीडियो को अपलोड करते हैं और बना के थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हाफ शॉर्टेज का है, मतलब जब सप्लाई के ऊपर लगाता हूँ तो वो डायरेक्ट एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। तो डायरेक्ट एम्पेयर जब लेता है तो जारी बात है कोई ना कोई चीज़ इसकी गर्म होती है। गर्म होने का हमें ये फौरी पता चल जाएगा जब हम सप्लाई पे लगाएंगे, तो जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है वो हमें नज़र आ जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है जो चीज़ नज़र आ रही होती है लेकिन असल में वो चीज़ ख़राब भी नहीं होती। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ये आईसी जो है VDD बूस्ट है, तो इसमें ये नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ से मेल्ट हो चुका है इसका ब्रोज़ा जो हमने स्मोक लगाया था ब्रोज़े का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा आईफोन कोई भी मॉडल होगा, अगर आप डायरेक्टली उसको लगाते हैं सप्लाई के ऊपर डायरेक्ट एम्पेयर लेता है, तो आप ये ना समझिएगा कि उसमें डायरेक्ट इसी में प्रॉब्लम है। जैसे कि DC DC IC या VDD बूस्ट वाली ये वाली IC, अगर ये दोनों ही आप सप्लाई पे लगाते हैं तो डायरेक्ट ये वाली शॉर्ट नज़र आ रही हो तो यकीनन इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तकरीबन 99% इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी VDD की जो लाइन होती है जो DC से DC आगे जाती है उसमें प्रॉब्लम होगा, अगर वो गर्म हो रही है तो। अगर VDD बूस्ट वाली लाइन हो रही है तो ये वाली ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसके आगे जो इसमें से लिंक निकल रहे हैं उसके ऊपर ट्रेसिंग करनी होती है। तो ट्रेसिंग करने के बाद हमने जब देखा है तो इसके ऊपर बीप बोल रहा था, इसकी VDD बूस्ट का जो कैपेसिटर था एक हमें शॉर्ट नज़र आया, तो हमने सोचा सप्लाई पर हम लगा के इसको शॉर्ट किलर इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट किलर भी आप ज़्यादा वोल्टेज वाला ना इस्तेमाल करें, जैसे कि स्पेशल बने होते हैं 8 वोल्ट के या मतलब 7 वोल्ट के बनाए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सप्लाई वाला झटका दिया है जो 4.7 पे होता है उसके एम्पेयर का ही, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कैपेसिटर जो है VDD बूस्ट वाला उसमें शॉर्टेज नज़र आई है, जिसकी वजह से हम इसी को रिमूव करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि पावर IC के जो साइड पे लगा है उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। सिंपल सा ये बिल्कुल नॉर्मल और ट्रिक्स है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडीशन में ये भी होता है कि जब आप सप्लाई के ऊपर लगाते हैं तो सप्लाई के ऊपर लगाने के बाद पावर बटन ऑन करते हैं तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब यही VDD IC जो है बूस्ट IC है तो इसमें शॉर्टेज नज़र आती है, मतलब जब पावर बटन दबाते हैं तब भी इसी कंडीशन में होता है। तो ये नॉर्मली अभी तो इसमें ये था कि आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा था कि मतलब कैसे ये शॉर्ट हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमने रिमूव कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आप पावर बटन दबाते हैं आप देख सकते हैं कि सप्लाई अब बिल्कुल इसकी जो ओके हो चुकी है, डायोड मोड के ऊपर रीडिंग लेना शुरू कर दी है इसने, बेहतरीन हो चुका है, मतलब शॉर्टेज इसकी क्लियर हो चुकी है। तो अगर पावर बटन दबाने से आपका यही वाला IC गर्म हो रहा है तो आपने डायरेक्ट इस IC को नहीं रिमूव करना, उतारना नहीं है। इसके आगे जो कंपोनेंट लगे हैं, कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, जिस जगह पे इसकी लाइनिंग नीचे से गुजर रही है उस जगह पे आप देखें किसी में शॉर्टेज होगी, लाजमी शॉर्टेज होगी, तो आपने डायरेक्ट इस IC को नहीं उतारना। IC को उतारेंगे तो इसके पीछे ही आपने देखा होगा कि CPU भी लगा है, बेसपेंट भी लगा है, तो आप हीट जब इसके ऊपर लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी हम चेक करते हैं फ़ोन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर देखते हैं कि फ़ोन ओके हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये हमारा फ़ोन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, मतलब कि शॉर्टेज इसकी क्लियर हो चुकी है जो पहले शॉर्टेज नज़र आ रही थी। अब LCD लगा कर फ़ोन हम
डिस्प्ले लगा के सप्लाई पे ऑन करके देखते हैं सप्लाई पर, हो सकता है कि बैटरी भी इसकी लो हो तो इसलिए हमने सप्लाई पे लगाया है दोबारा इसको। और ये मैंने पावर बटन दबाया है, और पावर बटन दबाने के साथ ही आप देखा, ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। मतलब कि पहले तो हमारा हाफ शॉर्टेज में था, वो गर्म हो रहा था और ऑन भी नहीं हो रहा था फ़ोन। अभी आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। तो आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अब मैं देता रहूँगा आपको। मेरी वॉइस को गौर से सुना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मालूमात मैं शेयर करता हूँ। फॉल्ट के अलावा भी मैं काफ़ी मालूमात शेयर करता हूँ जो इसके इर्द गिर्द की मालूमात होती है। मतलब कि कुछ और भी प्रॉब्लम या उससे आ सकते हैं या हो सकते हैं, या मतलब किसी और कंडीशन के भी। तो हमारे चैनल को